चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है जितने भी बच्चे लाइव चैट पर रहते हो अच्छे ही होंगे बेटा। अब तो ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं, लेकिन बेटा ऑफलाइन के बाद भी इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लिया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा बच्चे, है ना, ताकि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शुरू से पॉलिटी पढ़ रहे हो उनका बच्चे एक टॉपिक जो है पॉलिटी का टॉपिक है वो बच्चे आपका क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, हम लोग बेटा स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे और लोकल गवर्नमेंट में मैंने आपको सारी चीज़ें बचा दिया था। हमने कहा था स्थानीय सरकार का जो कंट्रोल होता है वो बेटा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो स्थानीय सरकार होती है या लोकल गवर्नमेंट होती है बच्चे, ये याद रखना राज्य सूची राज्य सूची पर वर्क करती हैं और इनको पावर बेटा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। हमने बताया था बच्चे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था 1952 में, वो असफल हो गया था। फिर राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम चलाया गया 1953 में, वो भी असफल हो गया। फिर उसके बाद बेटा बलवंत राय मेहता समिति को बुलाया गया था और इन्होंने सर त्रिस्तरीय यानी थ्री टियर सिस्टम दिया था, जिसमें बच्चे इन्हें हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा था, यह भी कल मैंने आपको बता दिया था। लोकतांत्रिक का मतलब लोकतंत्र द्वारा बच्चे प्रतिनिधि चुना जाएगा और राज्य सरकार बच्चे उसी गांव के प्रतिनिधि को ही सारी की सारी पावर देगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1969 को, यह मैंने आपको बता दिया था। फिर बेटा याद रखना अशोक मेहता समिति आई थी, पी के थुंगन समिति आई थी, पी वी के राव समिति आई थी, इन सब समितियों को हमने नहीं बताया था। लेकिन बच्चे मैं ये चाहूँगा कि आप बेटा इन समितियों को अरेंज जरूर कर लो बेटा। अरेंज कर लोगे तो ये आपका लाभदायक हो जाएगा बच्चे। ठीक है, जैसे अरेंज की अगर हम बात करें बेटा तो याद रखना अरेंज कर लो जरा। अगर हम पहली समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी बेटा, बलवंत राय मेहता, इन्हीं को पंचायती राज का शिल्पीकार कहा जाता है और इस समिति का गठन हुआ था 1957 में। फिर बेटा आपको पता है अशोक मेहता समिति आई थी, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। ये पॉइंट्स आप याद रखना बच्चे, क्लियर हो जाएगा। पहली बलवंत राय मेहता, दूसरा बच्चे अशोक मेहता। फिर 1985 में आया बेटा पी बी के राव समिति, पी बी के राव समिति आई बेटा, ये आया 1985 में बेटा। फिर समिति आई बेटा लक्ष्मी मल्ल सिंह बेटी बेटा, ठीक है, एल एम सिंह भी समिति आई जो हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है बेटा, ये आई 1986 में बेटा। फिर आपका पी के थुंगन समिति आई बेटा, पी के थुंगन समिति आई बेटा, इसको भी मैंने ध्यान से देखना, मैं बता देता हूँ बच्चे, ये समिति आई बेटा 1988 में। कब आई बेटा? 1988 में आई। ये सारी समितियाँ जो थी बच्चे ये पंचायती राज समितियाँ, इन्होंने बेटा त्रिस्तरीय व्यवस्था दिया था। कौन सा स्तरीय व्यवस्था? त्रिस्तरीय। इन्होंने बच्चे द्विस्तरीय व्यवस्था दिया था। कौन सी स्तरीय बेटा? इन्होंने सर चार स्तरीय व्यवस्था दिया। कौन सी स्तरीय व्यवस्था? चार स्तरीय। इन्होंने बेटा पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही और इन्होंने भी बच्चे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही बेटा। ठीक है, ये मैंने आपको चारों पांचों समितियां बता दिया, गठन भी बता दिया। बलवंत राय मेहता 1957 में, बच्चे अशोक मेहता द्विस्तरीय दिया था, इन्होंने कहा था ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत को खत्म करके, ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत को खत्म करके एक मंडल पंचायत बना लिया जाए। कौन सा पंचायत? मंडल पंचायत बना दिया जाए। चार स्तरीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय तो वही रहेगा, यहां पर एक राज्य मंडल आयोग का प्रावधान कर दिया गया बेटा। कौन सा बच्चे? राज्य मंडल बना दिया गया। इन स्टेट लेवल पर भी बच्चे एक स्टेज बना दिया गया, एक टीयर बना दिया गया। फिर बेटा संवैधानिक दर्जा देने की बात लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने कहा था और मैंने इसको कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया है। ठीक है,
फिर पी के तुंगन समिति ने भी बच्चे संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया बेटा पी के तुंगन ने, तो उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री जो थे बेटा वो थे मिस्टर राजीव गांधी। कौन था बेटा? राजीव गांधी बच्चे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बेटा पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा दर्जा बेटा, संवैधानिक दर्जा देने के लिए पहला प्रयास किया। और इन्होंने पंचायत के लिए 64वां संविधान संशोधन और शहरी के लिए बेटा यानी ग्रामीण के लिए 64वां और शहर के लिए 65वां संविधान संशोधन 1989 में बेटा संसद में पेश किया। लोकसभा में इनकी बहुमत थी तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बेटा ये पास नहीं करा पाए। इस वजह से सर पंचायती राज व्यवस्था को यहां पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। फिर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और फिर बेटा बच्चे आपको भी पता है पीवी नरसिम्हा राव 92 में भारत के क्या बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं बेटा। और उन्होंने सर 73वां और 74वां संविधान संशोधन पेश किया बच्चे। कौन था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन पेश किया बेटा। और 73वें संविधान संशोधन को मैंने कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया है, ठीक है बच्चे, ध्यान से देख लो, रिवीजन करा देते हैं। ठीक है बच्चे, यहां पर देख लो बच्चे, हमने कल 73वां भी बताया था और 74वां भी बताया था बेटा। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये आपका 74वां शहर से संबंधित है बेटा, ये ग्रामीण से संबंधित है, क्लियर हो जाएगा। यहां पर भाग कौन सा है? भाग 9 है। यहां पर भाग 9 का ए है, 9 का बी भी है बेटा, सहकारिता वाला है, मैं लास्ट में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर बच्चे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11। यहां पर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12 बेटा, ठीक है। यहां पर विषय की संख्या कितनी थी? 18। और यहां पर विषय की संख्या कितनी थी? 29 विषय थे बेटा। ये सारे पॉइंट्स याद है ना सारे बच्चों को? कितने विषय थे जल्दी से बताओ बेटा, कितने विषय थे? यहां पर 18 विषय थे बच्चे और यहां पर कितने थे? 29 थे। यहां पर बेटा 16 नए आर्टिकल आए थे और इस आर्टिकल को 243 से शुरू किया गया था और 243 ओ तक था। यहां पर बेटा 18 नए आर्टिकल आए थे और हमने कहा था 243 ओ के बाद पी होता है, पी से लेके 243 बेटा जेड जी तक बेटा शहर का प्रावधान है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको रटा होना चाहिए कि सर शहरी प्रावधान है भाग 9 में, और आपको याद रखना भाग 9 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चे। और ये भाग 9 है बच्चे तो यहां पर भी ऐसे लिखा जाएगा, यहां सिंगल लिखा मिलेगा, यहां भाग 9 ए लिखा मिलेगा। 12वीं अनुसूची थी, जो अनुसूची थी बेटा यहां पर 12वीं थी, और यहां पर जो अनुसूची थी वो कौन सी थी? 11वीं। 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट 29 है बेटा और 12वीं अनुसूची में सब्जेक्ट 18 थे। ये पॉइंट सब मैंने कल आपको करा दिया था बच्चे, ठीक है। तो यहां पर मैंने कल आर्टिकल भी करा दिया था बच्चे और मैंने ए बी सी डी करा दिया था, डी भी करा दिया था, जिसमें मैंने आरक्षण का प्रावधान बता दिया था, ठीक है। उसी में 2-3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल और लिख लो बच्चे। अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई बेटा? एक बार डन कर दो सारे बच्चे। जहां कल डी तक कराया था बेटा, और हमने कहा था सर कि हमारे संविधान में महिलाओं का आरक्षण तो 33% है, लेकिन बच्चे बहुत सारे राज्यों में 50% भी है। ये क्यों है मैं आगे बता रहा हूं अभी जस्ट बेटा। और दूसरी चीज क्या है बेटा, एससी एसटी का जो आरक्षण है वो जनसंख्या के आधार पर है, महिलाओं का भी जनसंख्या प्लस, लेकिन बेटा डायरेक्ट 33% कर दिया गया है। और याद रखना ओबीसी का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है बच्चे, लेकिन सीटें बच्चे जनसंख्या के आधार पर चेंज होती रहती है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे अनुच्छेद 243 आई भी देख लो सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई में है बेटा राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है बेटा। यहां पर एक अध्यक्ष होता है
और बेटा यहाँ पर सदस्य होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति होती है बच्चे वो बाई राज्यपाल यानी कि किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा किया जाता है बच्चे। इनका जो कार्यकाल होता है टेन्योर होता है बेटा, जो कार्यकाल होता है टेन्योर होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, तो आप बोलोगे 5 वर्ष के लिए होता है। अगर हम राज्य वित्त आयोग के कार्य की बात करें बेटा, तो कर को लगाना और बच्चे कर को इकट्ठा करना, कर को कलेक्ट करना, ये काम हमारे राज्य वित्त आयोग का होता है। क्योंकि बच्चे अगर टैक्सेस नहीं मिलेंगे तो सरकारें कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे बेटा, है ना। तो जो बच्चे शुल्क आता है, फीस वगैरह आता है, इन सब का कलेक्शन करने का काम राज्य वित्त आयोग का होता है। फिर पंचायती राज व्यवस्था के लिए बेटा पैसे खर्च करने का अलॉटमेंट भी ट्रांसफर कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करती है, और ये राज्य सरकार के अधीन होती है बेटा, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 200 बच्चे 43 ए में है, ई में है, ठीक है। क्लियर। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था बेटा। यहां पर 243 के भी बेटा इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन, कमीशन, ठीक है बच्चे। यहां पर भी जो अध्यक्ष होते हैं बेटा और अन्य मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति तो बच्चे याद होगा शुरू में ही पढ़ा दिया था, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन बच्चे जब इनको हटाना होता है तो रिमूव करने का काम बेटा राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति इन्हें रिमूव करता है बेटा एक व्यक्ति की एडवाइज पर, एक व्यक्ति की सलाह पर, जिसका नाम पार्लियामेंट होता है, या बच्चे हम आप क्या कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं बेटा। तो संसद सलाह देता है, एडवाइस किसे देता है, राष्ट्रपति को। तब राष्ट्रपति बेटा स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को क्या कर देता है, हटा देता है। एक चीज और बेटा, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है बेटा, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है बच्चे, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है बेटा। ये भारत निर्वाचन आयोग के अधीन कार्य नहीं करती है, और बच्चे जितने भी स्थानीय चुनाव होते हैं बेटा, जितने भी लोकल चुनाव होते हैं, उन चुनाव के लिए बेटा वोटर लिस्ट भी कौन तैयार करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम, निर्वाचन कराने का काम, उसका रिजल्ट की घोषणा कराने का काम, ये सारा बेटा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का होता है। अब याद रखना सर, ये चुनाव किस किस का करवाती है, ये देखो, चुनाव बेटा अगर मेयर का होगा, ठीक है, या महापौर भी आप लोग कह सकते हो बच्चे, ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा, नगर पंचायत अध्यक्ष का होगा, न्याय पंचायत का होगा, बीडीसी का चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा बेटा, ठीक है, या मेंबरी का चुनाव होगा, इन बच्चे सरपंच का मतलब प्रधान का चुनाव होगा, इन सब का चुनाव कराने का रिस्पांसिबिलिटी किसका होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का होता है बेटा, ठीक है। सारे बच्चे बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सारे बच्चे बताएंगे बेटा। और बेटा आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव, ठीक है, और विधान परिषद का चुनाव बेटा, लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, ये सारा भारत निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराता है, रिजल्ट की घोषणा करता है। लेकिन याद रखना सर, चुनाव तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी कराता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो गड़बड़ी का निपटारा बेटा ये नहीं करता है,
25 गड़बड़ी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का निपटारा स्वयं सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत निर्वाचन आयोग की होगी। सुनील अरोड़ा इस समय बेटा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। अब बताओ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? वीडियो को लाइक शेयर करते रहना बच्चे, ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज देना, और शाम को 7 बजे सारे बच्चे लाइव रहा करो, है ना। मज़ा भी आता है लाइव रहते हो सारे बच्चे, टाइम निकाल कर किसी भी तरीके से बच्चे, है ना, चैट पर बनिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई किया जाए। बाकी तो ऑफलाइन भी बेटा रहेगा, और ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बच्चे चीज़ें मिक्स कर लोगे तो आपके पास जीएस का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आसानी से आपका जीएस क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये पॉइंट्स याद रखना बेटा, है ना, क्योंकि हमें अब दोनों जगह से बच्चे कलेक्शन करना ही होगा, क्योंकि जब तक मैटर आपके पास नहीं होगा बच्चे तब तक आप चीज़ें पढ़ नहीं पाओगे। भाई आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? और बच्चे बुक वगैरह का जो कंटेंट होता बड़ा लेंदी होता है तो उसे तोड़ो सर, ठीक है, और उसमें से सिलेक्टेड कंटेंट को निकाल लो और फिर वही आपके एग्जाम से संबंधित हो बेटा, ठीक है। प्रीवियस सेट सारे बच्चे लगाते रहो, प्रीवियस सेट बहुत जरूरी है सॉल्व करना, तभी तो आपकी बच्ची थ्योरी की क्लास समझ में आ जाएगा कि यार हाँ इतने कंटेंट है मेरे पास और इससे जो हमारे क्वेश्चन है वो आसानी से बच्चे सॉल्व हो जा रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। और कहीं कुछ अजूबे दार क्वेश्चन मिले तो हमें भी बता दो बेटा, ठीक है। एक आर्टिकल और मैं चाहूंगा कि पंचायती राज में लिख लीजिए, 243 का जी बेटा, ठीक है। ये कहता है पंचायती की, ये पंचायत की शक्ति की बात करता है, पंचायत की बेटा किसकी बात करता है? शक्तियों की बात करता है बच्चे, ठीक है, और उसके प्राधिकार की बात करता है और बेटा पंचायत के उत्तरदायित्व की भी बात करता है। तो इसको ऐसे लिखो, प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है बच्चे, ठीक है। पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेटा, ठीक है, पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अथॉरिटी ऑफ पंचायत है बेटा, यानी कि पावर की भी बात की गई है बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है बच्चे और अथॉरिटी की भी बात की गई है बच्चे। किसका? पंचायत का बेटा, किसका बेटा? पंचायत का। कौन से आर्टिकल में सर? 243 के जी में है। और ये सारी शक्तियां बेटा आपको भी पता है किसके द्वारा मिली हुई है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं बच्चे कि अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 है और अनुसूची 11 में सब्जेक्ट कितने हैं बच्चे? 29 सब्जेक्ट हैं। इसी सब्जेक्टों पर पंचायत को राज्य सरकार ने, कौन सी सरकार ने बेटा? स्टेट गवर्नमेंट ने बच्चे पावर दे रखा है आर्टिकल 243 जी के तहत, जिसमें पंचायत की पावर होगी, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और बच्चे पंचायत की क्या होगी? अथॉरिटी होगी, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट पर होगा? 29 सब्जेक्ट पर होगा बच्चे, ठीक है। गांव का विकास करना, गांव के लोगों के बच्चे न्याय करना, करों का प्रावधान, स्कूल हो गया, वन हो गया, रोड हो, बहुत सारे बच्चे विषय हैं इसी में, ठीक है, नोट कर लेना सारे बच्चे। और मुझे लगता है यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहीं पर एक और आर्टिकल देख लो, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं लिखा दे रहा हूँ, बाकी सब किताबों में है बच्चे। किसी दिन जब आर्टिकल को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि बच्चे एक एक आर्टिकल भी करा दूंगा, अनुसूची भी करा दूंगा और पार्ट सारे करा दूंगा, तो वहाँ पर और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, है ना। 243 का अगर एच होता है बच्चे तो करों का कलेक्शन होता है, करों का क्या किया जाता है? कलेक्शन। और आपको पता है कलेक्शन करने का काम बेटा अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग होता है, तो करों के कलेक्शन का प्रावधान है पंचायत में 243 का एच बेटा, ठीक है। अब जो हम पढ़ाएंगे बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब भूल जाना लेकिन यम वाला पॉइंट तो भाई मत भूलना। लिखा है यहां पर पंचायती राज
लागू नहीं होता। यानी कौन कौन सा ऐसा जगह है बेटा जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, यहां से आपके क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम पंचायती राज की बात करें बेटा, तो आपने एक नाम सुना होगा नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी बताओगे आप सारे लोग हमें? नागालैंड में राजधानी में लागू नहीं होगी बेटा। आपको पता है मिजोरम में लागू नहीं होगा, नागालैंड में लागू नहीं होगा बच्चे, मिजोरम में लागू नहीं होगा। मेघालय का नाम सुना होगा बेटा, मेघालय में पंचायती राज लागू नहीं होगा बेटा, ठीक है। यहां पर बच्चे जनजातीय परिषद कार्य कर रही है, लिख दे रहा हूं बच्चे मैं यहां पर, अनुसूचित जनजातीय परिषद बेटा। यहां पर कौन सी परिषद बेटा? जनजातीय परिषद कार्य करती है। यानी इन बच्चे तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो यहां पर काम कौन कर रहा है? जनजातीय परिषद काम कर रही है। फिर बेटा ध्यान से देखिएगा, मणिपुर का नाम सुना होगा, तो मणिपुर में बेटा जो मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र है बच्चे, मणिपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है याद रखिएगा सर। और आपने एक नाम सुना होगा दार्जिलिंग का बेटा, जो दार्जिलिंग है बेटा, दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, यहां पर भी बच्चे पंचायती राज लागू नहीं होगा, यहां पर भी पंचायती राज लागू नहीं होगा। ये पॉइंट्स याद रखिएगा बेटा, ठीक है, पंचायती राज लागू नहीं होगा। फिर बच्चे ध्यान से देखना, जो हमारा दिल्ली है बेटा, दिल्ली में आपने देखा है सर कि 90-95% बेटा पॉपुलेशन जो है, जो जनसंख्या है बेटा, वो आपको पता है ना सर शहरी है। क्या है बेटा? शहरी है। तो यहाँ पर भी बेटा पंचायती राज लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है ही नहीं है। ग्रेटर नोएडा की बात किया जाए बच्चे, तो ग्रेटर नोएडा अपने उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, बट अब वो नेशनल कैपिटल रीजन में हो गया है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में हो गया, तो फिर वहां पर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वो शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दिल्ली में बेटा इसलिए लागू नहीं है क्योंकि वो बच्चे मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो शहरी हो चुकी है, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में है लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं है, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं है, और नागालैंड मिजोरम मेघालय में पूर्णतः लागू नहीं है बच्चे, ठीक है, पूर्णतः लागू नहीं है। ये पॉइंट्स आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू नहीं है, कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 243 के एम पॉइंट में है। हमने कहा कहाँ कहाँ, तो आप बोल देना नागा मिजोरम मेघालय में जनजातीय परिषद कार्य करती है सर, पंचायती व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में सर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ शहरी जनसंख्या ज़्यादा है। नोएडा में भी नहीं है, NCR में है बेटा, शहरी जनसंख्या है। मणिपुर और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अब पंचायती राज व्यवस्था में बेटा मैंने आपको बताया कि महिलाओं को 33% आरक्षण है और SC और ST को भी आरक्षण दिया गया है, क्लियर हो जाएगा। तो इसी एम वाले पॉइंट में बेटा, जो हमारा एक राज्य है जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है, जिसका नाम क्या है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में बेटा SC के लिए, SC के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, कोई सीट आरक्षित नहीं है बेटा। ये पॉइंट्स आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में है, नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में SC के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है बेटा, ठीक है। और जब SC की बात हो गई ना बेटा, तो जो पांचवी अनुसूची है हमारी, अब पांचवी अनुसूची में शेड्यूल कास्ट की बात किया गया है, और शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति से संबंधित होता है बेटा, केंद्र से जुड़ा मैटर होता है, तो इस पर भी लागू नहीं होगा। और जो छठवीं अनुसूची होती है बेटा, यहां पर भी ये लागू नहीं होगा क्योंकि यहां पर सर ST की बात की गई है, और आपको पता इन पर निर्णय राष्ट्रपति लेता है, हमारा प्रेसिडेंट लेता है, तो फिर इस पर भी लागू नहीं होगा, इस पर भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा सर, ठीक है।
पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा। अब बता दो सारे बच्चे, इतने पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आए? तो ये तो बच्चे आप लोग पंचायती राज व्यवस्था के कुछ जो आर्टिकल मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा दिए हैं, ये आर्टिकल आप लोग याद रखना, ठीक है बच्चे? और इंपॉर्टेंट था बच्चे, ऐसा नहीं कि ये इग्नोर किया जा सकता था। ये सारे पॉइंट आपको, ये आपके बच्चे कंटेंट जो है ये शानदार है, जहां से नंबर आप क्वेश्चंस आता है। अब जो आपका 74वां संविधान संशोधन था बच्चे, आपको पता ही है 1993 में ही हुआ था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 18 नए अनुच्छेद, 18 सब्जेक्ट भी था बेटा, 18 आर्टिकल भी था। और आपको पता है शेड्यूल जो थी बच्चे वो 12वीं थी, और यहाँ पर जो पार्ट आया वो 9A आया बच्चे, ठीक है? और हमने बताया कि 243 बच्चे ओ के बाद बच्चे क्या आता है बताओ, ओ के बाद क्या आता है जल्दी से बताओ बेटा, पी ही तो आता है बच्चे, पी फॉर पापा। 243 से लेकर बेटा जेड जी तक है, ये प्रावधान था सर, ठीक है? इसमें मैं दो आर्टिकल आपको लिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। 243 जेड डी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें बेटा जिला नियोजन समिति की बात की गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेटा, नोट कर लेना सारे बच्चे। और जेड ई की बात की गई है बच्चे, महानगर, महानगर नियोजन समिति, ठीक है बच्चे? कारण ध्यान से सुनना, लखनऊ एक महानगर है लेकिन फैजाबाद गोंडा एक क्या है, जिला है। तो यहाँ पर बेटा नगर पालिका, फैजाबाद अब नगर निगम हो चुका है बेटा, है ना? फिर बाद में ये बड़ा शहर हो जाएगा तो महानगर में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। नगर निगम वहाँ बनाया जाता है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हो जाए, 10 लाख से क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर दो ही आर्टिकल याद रखो बच्चे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चे, ठीक है? और हाँ बेटा, यहां पर एक और देख लेना सर, अनुच्छेद 243 का ए पॉइंट देख लेना बेटा, 243 का एस पॉइंट देख लेना। यहां एस में ना बच्चे वार्ड की बात की गई है, किसकी बात की गई है, वार्ड की बात की गई है बच्चे, ठीक है? और वार्ड में क्या होता है सर, कि बहुत सारी पार्षदी की सीट बनाकर एक वार्ड बनाया जाता है, और जनसंख्या यानी कि वार्ड जो होता है बच्चे, जहां पर जनसंख्या 3 से 4 लाख हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। 243 के यस पॉइंट में बेटा वार्ड की बात की गई है, बस ये तीन आर्टिकल याद रखो शहरी में, बाकी कोई मतलब नहीं है बच्चे, बाकी तो कॉमन है। जिला नियोजन समिति सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रूल बच्चे, अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं जिन्हें महानगर कहते हैं, फिर उनके लिए बच्चे अलग कमेटी होती है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा होता है बच्चे, ठीक है? महानगरों में महापौर या मेयर कहा जाता है बच्चे, जो शहर का प्रमुख होगा। ये सब शुरू में मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है? तो ये भी आपका आर्टिकल बच्चे क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बाकी किताब में भी थोड़ा बहुत है, खुद से भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसी में सर ध्यान से देखिएगा, फिर देखिए बच्चे, 97वां संविधान संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन हुआ। अब आप ये पूछोगे सर जी ये कब हुआ, तो ये बच्चे 2011 में हुआ, और 2011 में ही बच्चे यहां पर एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे हम पार्ट 9 का बी पॉइंट कहते हैं। कहीं कहीं मिलेगा आपको बच्चे पार्ट बेटा जो है वो 9 का बी है, 97वां संविधान संशोधन किया गया, और आर्टिकल बच्चे जो जोड़ा गया वो 243 ही लिखा गया, एच बच्चे जेड एच से 243 जेड आई तक,
ठीक है, दो पॉइंट है बेटा। और यहां पर बच्चे बात किया गया है कोऑपरेटिव की, यानी सहकारी समितियों की बात किया गया है बेटा, सहकारी समितियों की बात किया, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कमेटियों की बात किया गया है। ये मैं आगे बताऊंगा अभी बच्चे, ठीक है, आगे बताएंगे। इसे भी नोट कर लीजिएगा बच्चे कि 9B कब आया, 97वां संविधान संशोधन 2009B में। अब ध्यान से सुनना, भाग 9 में ग्राम पंचायत यानी पंचायत है, 9 के ए में शहरी व्यवस्था है और 9 के बी में बच्चे कोऑपरेटिव कमेटियों का प्रावधान किया गया है। बहुत सारी सहकारी समितियां हमारे यहाँ कार्य कर रही हैं और सहकारी समितियां जो होती हैं ये राज्य लेवल पर होती है, स्टेट बच्चे गवर्नमेंट के अधीन होती है बेटा। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, ऐसे बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, ऐसे ब्लॉक कोऑपरेटिव बैंक होता था बेटा, ऐसे ही बैंक की तरह कमेटियां भी बनाई गई हैं जो योजनाओं को बच्चे चलाने का कार्य करती हैं, योजनाओं को चलाने का कार्य करती हैं, ठीक है। चलिए, ये भी आपका टॉपिक फिनिश हो गया। अब हमारे अब हमें समझना है बच्चे, अभी कुछ चीजें रह गई हैं, परेशान मत होना। हमारे संविधान में बेटा इसके पंचायत को लेकर दो प्रावधान किया गया, दो प्रोविजन किया गया है बच्चे। अब ध्यान से समझना, ये समझने वाला पॉइंट है। हमारे संविधान में बेटा पंचायत को लेकर कितने प्रावधान किए गए हैं, दो प्रोविजन किए गए बेटा। एक तो प्रोविजन है बच्चे अस्थाई, ठीक है, परमानेंट है बेटा, क्या है, अस्थाई है सर, इसे हम परमानेंट प्रोविजन कहेंगे, ठीक है बेटा। और इसी परमानेंट प्रोविजन को कहा जाता है बच्चे मैंडेटरी बेटा, मैंडेटरी का मतलब होता अनिवार्य हो बच्चे, ठीक है, मैंडेटरी कहते हैं इसको बच्चे, याद रखिएगा। मतलब कि बच्चे ये चीजें क्या हैं, अनिवार्य हैं, यानी जो अभी यहां पर मैं पॉइंट लिखाऊंगा ये हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या है, अनिवार्य है। और जो चीजें अस्थाई होती हैं बेटा, जो चीजें अस्थाई होती हैं उनमें हम संविधान संशोधन करके एक नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं। और यहां पर जो दूसरा था बेटा डिस्क्रेशनरी पावर था, स्वविवेकीय पावर था बच्चे, यहां पर स्वविवेकीय प्रावधान किया गया है, डिस्क्रेशनरी बच्चे प्रोविजन, ठीक है बच्चे। और याद रखना बच्चे ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है, किस पर बेटा, राज्य सरकार पर निर्भर करता है। और ये बच्चे हमारे संविधान में पंचायत के लिए प्रावधान है, ये संविधान में प्रावधान है बेटा। इसमें अगर परिवर्तन करना होगा तो आपको पता है संविधान में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा, लेकिन यहां पर राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कोई एक्ट बनाकर पंचायत में कोई नई चीज का बेटा प्रोविजन कर सकता है, कोई नए पॉइंट को ऐड कर सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है बच्चे। तो हमारे संविधान में पंचायत को लेकर दो प्रोविजन है बेटा, पहला है वो जो परमानेंट होगा, अगर परमानेंट में कोई नया ऐड करना है तो संविधान में संशोधन करना होगा। एक बेटा डिस्क्रेशनरी प्रोविजन होता है जो सरकार की स्वविवेक पर, सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, ठीक है बेटा। इसीलिए स्वविवेकीय प्रोविजन मैंने कहा, या विवेकाधीन उपबंध भी लिख सकते हो बच्चे, विवेकाधीन उपबंध भी लग सकते हो बच्चे, है ना, जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब इसमें आप लोग नीचे लिखिएगा, हमारे पास स्पेस कम है तो मैं रफ कर देता हूं बच्चे यहां पर। अब जो संवैधानिक प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, तो पहला है बेटा मिनिमम एज, यानी पंचायती राज व्यवस्था का मतलब शहर का भी हो गया, ग्रामीण का भी हो गया, यानी मिनिमम उम्र होनी चाहिए कितने वर्ष बेटा, 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानी लड़ने की उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21, BDC 21, यानी जितने भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो सब इलेक्शन हम 21 वर्ष
परस्पर लड़ते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बेटा, संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। दूसरा होगा सर हमारे पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, हमारे पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, तो आप बताओगे 5 वर्ष होगा सर, ये संवैधानिक प्रावधान है। फिर बच्चे महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान जो है, महिलाओं का जो बच्चे रिजर्वेशन है, ये हमारे संविधान में 33 ही है, लेकिन हमने आपको लिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि कुछ राज्यों में 50% भी है, तो जो 50 है 33 से 17 बढ़ाया गया, वो राज्य की स्वाविवेक पर निर्भर करता है, वो एक्ट बनाकर उसे बढ़ा सकते हैं बच्चे, या एक्ट बनाकर उसे कम करके कितना कर सकते हैं 33 से कम करना होगा तो संविधान में संशोधन करना क्या होगा, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर यहां पर है कि एससी एसटी का आरक्षण बेटा, ये भी हमारा संवैधानिक प्रावधान है, जनसंख्या पर निर्भर करता है बेटा, ठीक है, जनसंख्या पर निर्भर करता है। जो सदस्यों का पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है बेटा, पंचायत सदस्यों का क्या है, चुनाव है, ये चुनाव आपको पता है प्रत्यक्ष होता है, ये भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है बेटा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, जो जिला पंचायत है बच्चे और जो ब्लॉक प्रमुख है, इनका जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आपने देखा होगा बच्ची उत्तर प्रदेश में हाइलाइटेड था कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से करवाया जाना चाहिए, हालांकि संविधान में प्रोविजन इनका अप्रत्यक्ष है। अब जनता से करवाना है तो आपने देखा होगा कि योगी जी ने बच्चे एक बिल पेश किया अपने यहां राज्य विधानमंडल में, इस बिल को इन्होंने पास कर दिया है। अब बेटा संविधान में संशोधन पूर्णतया करने का अधिकार हमारी संसद को है, तो अब ये बिल कहां जाएगा, संसद, संसद में जब बेटा ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो अपने यूपी में बेटा जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं बेटा, इनका चुनाव पंचायत की तरह बेटा यानी कि जनता द्वारा करा दिया जाएगा। लेकिन अभी यहां पर सारा का सारा जो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, बाकी सभी का चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष है। ये शहर में भी लागू है और ग्रामीण में भी लागू है बच्चे, ठीक है। अस्थाई और क्या है बेटा जो संविधान में प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग है और राज्य बच्चे निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है और ये इतने जो प्रोविजन है बच्चे ये संवैधानिक प्रावधान है, इनमें परिवर्तन करना है तो संविधान में बच्चे संसद में इसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा परिवर्तन किया जाएगा बच्चे, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चे, कुछ ऐसे प्रोविजन पर गवर्नमेंट कानून बनाती है, तो मैं यहां रफ कर देता हूं बच्चे, इसमें 2-3 पॉइंट्स देख लो। जैसे बच्चे महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण बच्चे राज्य कानून बनाकर बढ़ा सकता है। कुछ राज्यों में बेटा आपने देखा महिलाओं का आरक्षण कितना परसेंट है, 50% है बेटा, कितना परसेंट है, 50% है बच्चे, ठीक है। और बेटा जो सरपंच हैं, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, इन सब का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। भाई योगी जी चाह रहे हैं तभी तो बिल बनाकर वहां भेज दे रहे हैं बच्चे, तो ये भी आपका हो जाता है बच्चे। टैक्स लगाना भी ये बच्चे राज्य सरकार पर निर्भर करता है, टैक्स बच्चे घटाया जाए या टैक्स को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए बेटा, ठीक है कि नहीं। कि अच्छा ये भी याद रखना सर, किन्हीं किन्हीं राज्यों में 2 स्तरीय व्यवस्था है, कुछ राज्यों में 4 है, तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है, वो डिपेंड हमारी राज्य सरकार पर करता है। अपने यूपी में बेटा आपको पता है 3 स्तरीय व्यवस्था है, संपूर्ण भारत में बेटा सिर्फ 3 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन कुछ राज्यों को अथॉरिटी बेटा दी गई है तो वो कुछ एक्स्ट्रा कानून बना सकते हैं, इसी के तहत प्रोविजन किया गया, क्योंकि संविधान में पंचायत को लेकर 2 प्रोविजन है, एक स्वाविवेकीय है और एक संवैधानिक है बेटा, ठीक है, एक संवैधानिक है बच्चे।
और राज्य के इन सदस्यों को हटाया कैसे जाए बच्चे, यह सब कुछ निर्भर करता है हमारी राज्य सरकार पर बेटा, हमारी राज्य सरकार पर। जैसे बेटा ग्राम प्रधान को हटाना है तो उसके विरोध में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो ग्राम पंचायत मेंबर होते हैं बेटा, अगर उसमें से बच्चे आधे से ज्यादा मेंबर विरोध कर दे तो प्रधान जी की प्रधानी जा सकती है। ऐसे बच्चे ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीडीसी लाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ बेटा कौन लाएगा, तो जिला पंचायत सदस्य लाएंगे बेटा, ठीक है। समर्थन होना अनिवार्य होता है 50% प्लस कितना, एक ज्यादा बेटा, और हालांकि उनका निर्वाचन मत मूल्य की तरह ही होता है, ठीक है। अब बताओ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आई, सारे बच्चे बताएंगे एक बार। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा बच्चे, पश्चिम बंगाल जहां पर बेटा चार स्तरीय व्यवस्था है, कितनी स्तरीय बेटा, चार स्तरीय बेटा, ठीक है बेटा। ये भी चैप्टर आपका लगभग फिनिश है, जो बचा हुआ है बेटा वो मैं इसे क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। तो फिर अगला जो हमारा टॉपिक होगा बच्चे ज्यूडिशरी होगा, यानी कि बच्चे जो अगला चैप्टर होगा वो हमारा न्यायपालिका होगा। न्यायपालिका में हम बेटा सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और हाई कोर्ट पढ़ेंगे और जिला न्यायालय भी पढ़ेंगे। कौन सा न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट बच्चे न्यायालय भी पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। आपको पता है सर जिले में, हर जिले में न्यायालय होती है, सुप्रीम कोर्ट की संख्या एक है और हाई कोर्ट की संख्या अब बढ़कर बेटा कितनी हो गई है, 25 हो गई है। भारत देश की जो ज्यूडिशरी सिस्टम है बेटा वो न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्था पर है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, यानी कि हमारा न्यायालय बच्चे पूर्व के निर्णयों को रद्द कर सकता है। ये प्रावधान हमने यूएसए से लिया है। और फिर बच्चे याद रखिएगा, भारत देश की न्यायपालिका एकात्मक बच्चे है, एकात्मक चीजें दर्शाता है, यानी कि पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है, एक है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है बच्चे, तो आप याद रखना कहाँ है, दिल्ली है, ठीक है। कल का जो टॉपिक होगा सर, आप पहले एक बेटा रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उस न्यायपालिका को याद रखना। फिर हम बेटा 1935 के एक्ट में पढ़े थे, 1937 में संघीय न्यायालय हमने बनाया था, आप संघीय न्यायालय को भी पढ़कर रहिएगा ताकि कल हमें बताने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है बच्चे, बाकी कल है और शाम को 7 बजे मिलते हैं लाइव में बेटा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए बेटा। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे, बाय।